हेलो फ्रेंड्स, एक नई रेसिपी के साथ आपका फिर से वेलकम है कुक विद इमराना में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाले नवाबी चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। नवाबी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसाले रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 5-6 सूखी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4-5 छोटी इलायचियां डाल देंगे, 6-7 लौंग डालेंगे, 20-25 काली मिर्चें डाल देंगे इसमें, 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 फूल मैंने जावित्री का लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब गैस के फ्लेम को हल्का ही रखेंगे और इस मसाले को हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। रोस्ट करने से मसालों का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है और सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मैंने सारे मसालों को रोस्ट कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस मसाले को ठंडा करके सूखा पीसेंगे। इसमें पानी डाल के नहीं पीसेंगे, पहले हम इन्हें मसालों को ठंडा कर लेंगे और फिर हमें सूखा पीस लेंगे। अब पतीली को गैस पर रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बस हमें हल्का गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। ऑयल को देखिए मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। इसमें हम 4 छोटी इलायचियां डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और हमने जो मसाला रोस्ट किया था वो सारा पीस लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे। ऑयल में मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसे हम ऑयल में। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इस मसाले को ऑयल में थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए मसाले को मैंने थोड़ी देर पका लिया है, अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है, इसे साफ करके धो लिया था। अब सारे चिकन को हम मसाले में ऐड कर देंगे और इसे मसाले में हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून रेगुलर जो लाल मिर्च होती है वो डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये नवाबी चिकन बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। बस सारे मसाले को हम 2 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। नवाबी चिकन खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बन भी बहुत ही जल्दी जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चिकन के साथ मैंने मसाले को अच्छे तरीके से 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। चिकन गलता है तब तक हम दही और प्याज का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसमें जार में मैंने मसाला पीसा था उसी में हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसे मैंने फ्राई कर लिया था स्लाइस में कट करने के बाद। इसे हम जार में कर देंगे। 10-12 मैंने काजू लिए थे, इन्हें पानी में भिगो दिया था, सारे काजू भी हम इसमें डाल देंगे। और 1/2 कप दही, दही भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं।
ये पकते हुए पूरे 2 मिनट हो गए हैं। चिकन जल्दी गल जाता है, चिकन जो है अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसमें हम प्याज और दही का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखा था। सारा पेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद इस मसाले को हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। मैं बहुत सी प्याज को फ्राई करके रख लेती हूँ, इसलिए प्याज को मैंने पहले फ्राई नहीं किया था। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप जब ऑयल डालें उसको गर्म करके एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक कट करके उसे फ्राई करके निकाल लें। प्याज को फ्राई करके रखने से सालन जो है बहुत ही जल्दी बन जाता है और काम हमारा कम हो जाता है। देखिए प्याज के डालते ही सालन का कलर कितना प्यारा आ गया है। बस 1 से 1.5 मिनट तक इस मसाले को प्याज के साथ और भूनेंगे। मसाले को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप दूध और ऐड कर देंगे और दूध को हम अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स कर देंगे। ये देखिए दूध डालने के बाद सालन में खोल आ गई है। कोरमा जो है हमारा मज़ेदार तैयार हो गया है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए हमारा मज़ेदार नवाबी चिकन कोरमा तैयार है। आपने देखा कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन गया। आप इस तरीके से नवाबी चिकन कोरमा ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।